सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, इट्स मी माधोमाल। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है कतई चल ब्रांड न्यू ब्लॉग में। और सीन कुछ ऐसे हैं कि लास्ट बुधवार को हमने ब्लॉग नहीं डाला था। आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमें मैसेज भी किया कि यार ब्लॉग कहाँ है ड्यूड। बट सीन कुछ ऐसे चल रहे थे कि यार हम अच्छे से शूट नहीं कर पाए। मतलब दो बार हम ब्लॉग बनाने की कोशिश कर चुके हैं, पर वो कोशिश नाकाम वाली कोशिश रह चुकी है। हमारे पिताजी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी, तो रुको जरा। 2000 years later. तो सीन कुछ ऐसे थे कि दो बार हमने मोटो ब्लॉग बनाने की ही कोशिश की थी, बट हमें महसूस हुआ था कि यार बहुत टाइम से अच्छे से ट्रैवल ब्लॉग नहीं आ रहे, तो अब ट्रैवल ब्लॉग लाएंगे। तो एक ओपी से ट्रैवल ब्लॉग आएगा बड़ा वाला, बट ये वाला ब्लॉग सिंपल सा ब्लॉग ही रहने वाला है। आज दशहरा है तो आप सबको हैप्पी दशहरा, बट शायद से ये ब्लॉग एक या दो दिन बाद आएगा, तो थोड़ा सा वासी वासी वाला हैप्पी दशहरा। ओके ओके, तो गाइस सीन कुछ ऐसे कि हमारे जो वाहन रहते हैं उसकी दशहरे के दिन पूजा होती है, पर हमने गाइस आज की पूजा मिस कर दी है क्योंकि हम उठे ही अभी हैं। ओके तो गाइस सीन कुछ ऐसे हैं कि अब हम जाने वाले हैं जलेबी फाफड़ा लेने पीपल खेड़, क्योंकि यार दशहरे के दिन वो नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे। और हाँ गाइस, मेरा इतना लेट उठने का कारण ये है कि मैं 3:30 बजे तक यार फोन में लगा पड़ा था, तो अब क्या बोले। रेजर तुम टेंशन मत लो, थोड़ी देर बाद तुम्हें भी ले जाऊंगा मैं। हेलो हेलो, 1 2 3, इट्स मी माधव महल। आप सबका स्वागत बोलने वाला था मैं। वाह नाइस ओपी माधव, तू तो यार बहुत बड़े प्रो निकले। तू तो भी नहीं यार, तुम तो आता है यार। मैं हिंदी में बहुत नूब होने लग गया हूँ गाइस आजकल, एक नंबर का नूबड़ा। ऐसा ही मैं करता रहता हूँ यार, अकेला जब मैं जाता हूँ ना ऐसे ही अपने साथ बात करते हुए। मेरे को हंसता थोड़ा आता नहीं, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अब सामने से खा लिए तो थोड़ा सा दबा के ले लेंगे। सॉरी पिताजी यार, थोड़ा तो करना पड़ता है, क्या करें अब। पीछे हर वक्त पीछे तो थोड़ा चला सकते हैं, मतलब पिताजी को भी थोड़ा कहना पड़ता है। वो मेरी वीडियो देखते हैं और कहते हैं कि यार तुम तो बहुत भगाते हो यार, अगर ऐसा ही करोगे तो मैं बुलेट नहीं दूंगा तेरे को। ऐसा मेरे को बोला तो मतलब क्या करूं मैं, मेरे को फीलिंग नहीं है। मेरे को फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है, पानी पी। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी। एक तो अड्डा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। वैसे आज दशहरा है तो गाइस बहुत सी नई नई दुकानों नई नई चीज़ों का उद्घाटन होगा आज। और हमारे भोलेनाथ जो है, मतलब विशाल भाई, उनकी जो शॉप है उसको भी रिन्यू कराया गया, उसकी शॉप का भी आज उद्घाटन है। बट हम जा नहीं सकते, वो बहुत दूर रहते हैं पार्टी। बट कभी जाएंगे वहाँ का भी ब्लॉग बनाएंगे, आपको दिखाएंगे उनकी दुकान कैसी है, मतलब सैलून है उनका, तो एकदम स्पेशल हेयर स्टाइल वाला वीडियो बनाएंगे हम उनके साथ। तो गाइस फाइनली हम लोग पीपल खेड़ के अंदर आ चुके हैं, पर उम्मीद तो यही करेंगे कि यार जलेबी फाफड़ा बचे होंगे, क्योंकि यार बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। लास्ट टाइम जब हम आए थे, मतलब लास्ट दशहरा, तब भी ऐसे ही हुआ था कि यार ख़त्म हो गए थे। अब इस बार होने चाहिए गाइस। वैसे वहाँ पर पब्लिक तो दिख रही है, पर देखते हैं क्या सीन है। यार 1K के करीब हम जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, पर जा रहे हैं। हमें लगा था कि यार हम तो बहुत यूँ पहुँच जाएंगे, पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। जय माता दी, क्योंकि आजकल थोड़ा सा ना हम पता नहीं क्या हो रखा है हमें, बट थोड़ा सा ध्यान विचलन हो रखा है, गेम भी नहीं खेलते ड्यूड। ऐसा नहीं है कि यार हम अब आजकल गेम ज़्यादा खेलते हैं। तो गाइस अभी तक वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि हम ऐसे ही ब्लॉग लाते रहते हैं। और ऐसे ही नहीं, इससे तबाही वाले लाते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है गाइस, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर वहाँ की ऐसा कह सकते। तो फाइनली गाइस वी आर रीच एट होम।
तो फाइनली गाइस हम लोग जलेबी फाफड़ा लेके घर पहुंच चुके हैं और सीन कुछ ऐसे है कि अब हम लोग अब जाएंगे मिस्टर देव के यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एक छोटी सी पूजा चल रही है। शायद से खत्म भी हो गई होगी, पर अगर होगी तो थोड़ा बहुत सिनेमेटिक आपको दिखा देंगे, पर सिनेमेटिक वाला सीन होगा तो। गाइस अंदर पूजा चल रही है और हम यहाँ पर तीन महायोद्धा प्रसादी का वेट कर रहे हैं। इसके इसके डिंपल देखो गाइस, ये देखो ना, अरे रे हंसने हंसने हंसने। ओ माय गॉड, वाओ, एक दूध बस। 2000 years late. हाँ तो गाइस फिलहाल दोपहर के 2 बज रहे हैं और सीन कुछ ऐसा है कि हम रील्स ऊपर 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 कर जा रहे थे और मेरे को एक शायरी थोड़ी अच्छी लगी तो मैं उस पर रील्स बनाने की ट्राई करूंगा। अगर वो अच्छी बनती है तो मैं इंस्टाग्राम पर रख दूंगा और नहीं अच्छी बनती है तो मैं इसमें तो डाल ही दूंगा। ओके तू याद कर या भूल जा, तू याद कर या भूल जा, तू याद है या याद कर। वैसे मैं रील्स ज्यादातर यहाँ पर बनाता हूँ या तो फिर आपको दिखाता हूँ, और दूसरी जगह है ये, इस पौधे के पास हम बनाते हैं। देखो सबसे पहले ये एक बॉक्स आता है फ़ोन का, उसके ऊपर ये आता है, इसके अंदर हमने धोती रखी है मेडी चाचा की, और उसके बाद ये चश्मे का वो, मतलब इसके यहाँ पर फ़ोन आ जाता है और पीछे से वो क्या कहते हैं इसको स्टैंड टाइप का मिल जाता है। तो ये है हमारा जुगाड़ू तरीका रील बनाने का। ओके वैसे इसके अलावा हम पहले स्टैंड यूज़ करते थे बट उसका एक चीज़ टूट गया है तो अब हम उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर मोबाइल के लगाने के लिए एक चीज़ रहती थी, वो टूट चुकी है तो अब हम वहीं से काम चला लेते हैं, और कभी कभी रात को बनाने के लिए हम इसका उपयोग कर लेते हैं। मतलब ज़्यादातर तो इसका YouTube के लिए ही उपयोग करते हैं बट कभी कभार इंस्टा के लिए, तो इंस्टा पर भी फॉलो कर देना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो गाइस रात के तकरीबन 9:30 बज रहे हैं और अब टाइम आ चुका है रावण की मौत का नज़ारा दिखाने का। वैसे अभी नहीं जलाएंगे, रात के 12 बजे जलाएंगे शायद से, तब तक वहाँ पर नाटक वगैरह कुछ कुछ प्रोग्राम है तो वो आपको सब कुछ सिनेमेटिक अंदाज में दिखाएंगे, या तो बकबक अंदाज में भी दिखा सकते हैं बट बहुत नहीं दिखाएंगे क्योंकि यार वीडियो लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर पीछे हमारा GoPro चार्जिंग हो रहा है तो वो चार्जिंग होते ही हम निकल लेते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं और आई होप आपको आज की वीडियो में थोड़ा बहुत भी मजा आया होगा, और थोड़ा बहुत भी मजा आया होगा तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हमारे 1K होने ही वाला है।
दिवाली तक हो जाते तो बात बन जाती, और नहीं होते तो फिर भी उसके दो तीन दिन में तो हो ही जाएगी मेरे ख्याल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो बुधवार को देखने को मिल जाएगा। और इस वाले बुधवार की बात की जाए तो इस वाले बुधवार को वीडियो नहीं डाल पाए क्योंकि हमारी हालत थोड़ी सी गौतम गंभीर हो रखी थी। मतलब ब्लॉग तो हमने बनाने की कोशिश की थी पर थोड़े से शायद से बेवफा ब्लॉग बना था, तो हम बेवफा ब्लॉग डालना नहीं चाहते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Trying to tell you what to do.